नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कुकिंग चैनल पैन टू प्लेट में। आज मैं महाराष्ट्र की अमटी की रेसिपी बनाने वाली हूँ। ये पूरन पोली के साथ खाई जाती है और जैसे कि व्यूअर्स की काफी डिमांड थी कि मैं अमटी की रेसिपी लेकर आऊँ। कर्ट यानी कि अमटी बनाने के लिए हमें क्या क्या सामग्री की जरूरत है वो हम देख लेते हैं। आधा छोटा कटा हुआ प्याज, 1/4 कप सूखा नारियल, थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा कड़ी पत्ते। यहाँ पे हम थोड़ा सा गुड़ ले रहे हैं, आप गुड़ की मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। लाल मिर्च पाउडर, यहाँ पे हम गोड़ा मसाला का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपके पास गोड़ा मसाला नहीं है तो आप गरम मसाला का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ये तीखा सा रहता है तो इसकी मात्रा मैंने थोड़ी सी कम सी ली है। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 10 लहसुन की कलियाँ, 1/4 टीस्पून हींग पाउडर, 1 टीस्पून जीरा, थोड़ी सी इमली, इसे हमने पानी में गला के रखी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं अमटी यानी कि कट। पैन में हम 1 टेबलस्पून तेल डाल देंगे और जैसे ही तेल हल्का गर्म सा हो जाएगा इसमें हम सूखा नारियल डाल देंगे और इसे सुनहरी होने तक हमें भूनना है। यहाँ पे आंच हम मध्यम रखने वाले हैं। जैसे ही सुनहरी हो जाएगा नारियल इसमें हम प्याज और लहसुन डाल देंगे और हमें यहाँ पे प्याज और लहसुन को हल्का सुनहरी होने तक भून लेना है। तो यहाँ पे लहसुन और प्याज हल्का सुनहरी हो चुका है, इसे हम मिक्सर जार में ट्रांसफर कर लेंगे। साथ ही साथ में हम यहाँ पे कटा हुआ हरा धनिया, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, गोड़ा मसाला और थोड़ा सा पानी डाल के हमें यहाँ पे एक मुलायम सा पेस्ट बना लेना है। तो देखिए ये बारीक सा पेस्ट तैयार हो चुका है। अब हम यहाँ पे पैन में 1 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। यहाँ पे तेल की मात्रा थोड़ी ज़्यादा ही होनी चाहिए। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा हम इसमें 1/4 टीस्पून हींग पाउडर, जीरा, कड़ी पत्ता डाल लेंगे और अच्छे से इसे मिला लेंगे। अब जो पेस्ट हमने तैयार किया है वो हम डाल देंगे इसमें और अच्छे से हमें इसे मिला लेना है। हमें यहाँ पे आंच को धीमा और मध्यम के बीच में रखना है। अब इसमें हम लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा और डाल देंगे, साथ ही साथ में गुड़ डालना है और इमली का जो पानी है वो भी हम इसमें डाल देंगे और सभी मसालों को हम अच्छे से मिला लेंगे। हमें इसे तब तक पकाना है जब तक इसके किनारों में से तेल ना निकलने लग जाए। तो जैसे कि आप देख सकते हो किनारे में तेल बहुत अच्छे से निकलने लग गया है, ये मसाला अच्छे से भुन चुका है। अब हम यहाँ पे उबले हुए चने का जो पानी है वो हम इसमें डाल देंगे और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग हमें डालना है और अच्छे से मिला लेना है। यहाँ पे आंच को हमें मध्यम रखना है और एक उबाल आने तक का इंतजार करना है। तो यहाँ पे एक उबाल आ चुका है और यहाँ पे कट तैयार हो चुका है, बहुत ही आसानी से बन जाता है। इसे हम धनिया से सजा लेंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं महाराष्ट्र की बहुत ही प्रसिद्ध पूरन पोली। हम यहाँ पे 1 कप मैदा और 1 कप गेहूं का आटा ले लेंगे और दोनों को अच्छे से हमें इसे मिला लेना है और थोड़ा थोड़ा करके हम सादा पानी डालते जाएंगे और एक मुलायम आटा तैयार कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे अच्छे से गूंद लिया है और एक मुलायम सा आटा तैयार कर लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा घी लगा लेंगे। तो हमने यहाँ पे आटे को गूंद लिया है और चिकना कर लिया है और आटे को अब हम गीले कपड़े से ढक देंगे और थोड़े देर के लिए इसे रेस्ट देने वाले हैं हम। तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। हमने यहाँ पे 1 कप चना दाल लिया है, इसे हमने पानी में सिर्फ धोया है, इसे हमें गलाना नहीं है। हम यहाँ पे चना दाल को कुकर में डाल देंगे और साथ ही साथ में 3.5 कप पानी डाल देना है। हम यहाँ पे 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 1/4 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा डाल लेना है और हम यहाँ पे 3 सीटी देकर इसे उबाल लेंगे तेज आंच पर। तो यहाँ पे 3 सीटी हो चुकी है और इसका जो प्रेशर है वो हमने रिलीज कर लिया है। तो देखिए हम चेक कर लेते हैं कि चना दाल पकी है कि नहीं। तो देखिए बड़ी आसानी से मसल रही है ये। तो यहाँ पे चना दाल उबल चुकी है अच्छे से।
हम यहाँ पे चना दाल के जो पानी है उसे छन्नी में छान लेंगे और साथ ही साथ में 1.5 चम्मच उबला हुआ जो चना है वो हम डाल देंगे इस पानी में। तो चना दाल का जो पानी है उसकी हम अमटी बनाने वाले हैं, यानी कि कर्ट बनाने वाले हैं। कढ़ाई में हम 1 टेबलस्पून घी ले लेंगे और आँच को यहाँ पे धीमा और मध्यम के बीच में हमने रखा है। जैसे ही घी हल्का सा गर्म हो जाएगा इसमें हम 5 इलायची के दरदरा पाउडर डाल देंगे। इलायची में से जब अच्छे से खुशबू आने लग जाए तब इसमें हम उबला हुआ चना डाल देंगे, साथ ही साथ में 2 कप गुड़। ये ब्राउन गुड़ है, आप यहाँ पे पीला गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हो। पीला गुड़ यूजली मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ क्योंकि वो प्रोसेस्ड होता है और जो ब्राउन गुड़ वो प्रोसेस नहीं होता है। तो हम यहाँ पे इसे अच्छे से मिला लेंगे गुड़ और चने को। अब यहाँ पे हम जायफल लेंगे और इसे ग्रेटर की सहायता से हम कस लेंगे थोड़ा सा। चना दाल में जायफल डालना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो बादी की प्रॉब्लम हो जाती है। साथ ही साथ ये पूरन पोली को बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है। तो जैसे ही ये पकने लगेगा गुड़ अपना पानी छोड़ने लगेगा और गुड़ के पानी में चना अच्छे से पकने लगेगा। हमें यहाँ पे स्पैचुला की सहायता से इसे थोड़ा मसलते रहना है। हमें यहाँ पे चना दाल को धीमी आंच पे 15 मिनट तक चलाते रहना है जब तक ये डोनुमा ना हो जाए, यानी कि आटे की तरह ना हो जाए। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे चना दाल अच्छे से घुल गया है और डोनुमा हो चुका है। यहाँ पे मैं उंगली की सहायता से चेक कर लेती हूँ कि ये चिपक रहा है कि नहीं। तो जी नहीं, ये नहीं चिपक रहा है, ये एकदम तैयार हो चुका है। हमें यहाँ पे इसे बहुत ही ज़्यादा ड्राई नहीं करना है, नहीं तो ये भूरा जैसा हो जाएगा। यहाँ पे हमारा आटा तैयार हो चुका है, साथ ही साथ में पूरन पोली की जो स्टफिंग है वो भी तैयार हो चुकी है। तो अब हम ये करेंगे कि एक मध्यम हिस्सा ले लेंगे आटे का और इसे गोलाकार दे देंगे, इसे पेड़ा बना लेंगे। सूखे मैदे की सहायता से हम इसे बेल के पूरी का आकार दे देंगे। अब चने के डो का हम मध्यम हिस्सा ले लेंगे, अब बीच में से रख देंगे और इसे बंद कर लेना है हमें। और उंगलियों की सहायता से हमें इसे फैलाना है। हमें यहाँ पे इसे पतला ही बेलना है। देखिए हमने यहाँ पे बेल के तैयार कर लिया है और ये पतला सा ही है, हमें यहाँ पे बहुत ज्यादा मोटा नहीं बनाना है इसे। तो तवा हमने तेज आंच पर रख लिया है, जैसे ही तवा गर्म हो जाएगा हम पूरन पोली को सेक लेंगे। यहाँ पे हमें वैसे ही सेकना है जैसे हम पराठा सेकते हैं घी की सहायता से। तो देखिए यहाँ पे ये पूरन पोली फूल रही है और ये तैयार हो चुकी है। तो हम यहाँ पे इसी तरीके से दूसरी पूरन पोली बेल लेंगे और सेक के तैयार कर लेना है हमें। तो बहुत ही आसानी से बनने वाली और टेस्टी पूरन पोली तैयार हो चुकी है। ये महाराष्ट्र की बहुत ही फेमस रेसिपी है। पूरन पोली कोई भी तीज त्यौहार में बनाई जा सकती है, आप इसे बेमौसम में भी खा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको फेस्टिव सीजन में ही खाना है इसे। हम यहाँ पे इसके साथ कर्ट के साथ खाने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये महाराष्ट्र की बहुत ही सरल सी और स्वादिष्ट पूरन पोली की रेसिपी पसंद आई होगी। आप जरूर घर पे ट्राई कीजिएगा और आपको मूवी फीडबैक दीजिएगा।